ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सांची मेरा में आप सभी का स्वागत है। यदि आपके यहाँ कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और उसकी तबीयत ठीक ही नहीं रहती है, या आए दिन घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता है, तो आप 8 अप्रैल अमावस्या के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करें। आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है और उस कटोरी में गंगा जल करना है। थोड़ा सा गंगा जल करें, उसके बाद घर में काले तिल सबके यहाँ होते हैं, थोड़े से काले तिल उस कटोरी में डालें। तिल डालने के बाद आपको थोड़ी सी दुर्वा लानी है, जिस दुर्वा से हम गणेश जी की पूजा करते हैं, वही दुर्वा। दुर्वा ला करके उस कटोरी में थोड़ी सी डाल लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कटोरी जो भी बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर 8 बार घुमाना। किस तरह से, इस तरह से नहीं घुमाना है, आपको उल्टा घुमाना है, उल्टी दिशा में, इस तरह से। इस तरह से करके आपको 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से गिनती लगाते जाएँ और घुमाते जाएँ। घुमाने के बाद आपको क्या करना है, यह कटोरी लेकर के आप या तो आपके घर के आसपास पेड़ तो होंगे ही, सब हर किसी कहीं ना कहीं पेड़ होते ही हैं, तो आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे इसको डाल देना है। यदि आपके घर के पास पीपल का पेड़ ना हो तो आप इसको नीम के पेड़ के नीचे डाल दें। आप देखेंगे कि आपके यहाँ जो भी बीमार व्यक्ति रहता है वह स्वस्थ रहने लगेगा और आपके यहाँ बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ओम नमो शिवाय।